हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तिल और गुड़ के लड्डू। तिल जो पोषक तत्वों का भंडार है, तिल खाने से बहुत फायदे होते हैं क्योंकि तिल में प्रोटीन, फाइबर, फैट, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम गुड़, 2 टेबलस्पून घी, 4 टेबलस्पून पानी। सबसे पहले हमें तिल को भूनना होगा। इसके लिए तिल को कढ़ाई में डालिए और स्लो गैस पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लीजिए। जितना हम तिल लेंगे इतना ही हम गुड़ लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, तिल भुन गए हैं। अब तिल को प्लेट में निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में घी डालिए। घी गर्म होने के बाद गुड़ डालिए। गुड़ को छोटा छोटा पीस में कट करके डालिएगा जिससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गैस स्लो रखिए और लगातार चलाते रहिए। जब गुड़ मेल्ट होने लगे तब उसमें पानी ऐड कीजिए और गुड़ को एक उबाल आने तक पकाइए। गुड़ को हमें जब तक पकाना है जब तक गुड़ में झाग नहीं आ जाते। देखिए इस तरह से गुड़ में झाग आने चाहिए। बस इस स्टेज पर गैस ऑफ कर दीजिए और इसमें तिल ऐड कीजिए। ये प्रोसेसिंग आपको गैस ऑफ कर ही करनी होगी, अदरवाइज आपका गुड़ ज्यादा पक जाएगा जिससे आपके लड्डू सख्त बनेंगे। तिल को गुड़ में अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद तिल को 2 से 3 मिनट ठंडा होने के बाद लड्डू बनाइए क्योंकि ज्यादा गर्म से हाथ जल जाएंगे। दो से तीन मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। लड्डू बनाना शुरू करते हैं पानी की हेल्प से। थोड़ा ज्यादा गर्म है, अगर आपको ज्यादा गर्म लगता है तो थोड़ा और ठंडा होने दीजिए। मैंने आधा तिल गुड़ ही प्लेट में निकाला है, बाकी का कढ़ाई में ही रहने दिया है क्योंकि सब निकालने पर ज्यादा ठंडा हो जाता और लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होती। कढ़ाई में थोड़ा गर्म रहेगा। देखिए इस तरह से पानी की हेल्प से हमें लड्डू बनाने होंगे। बस इसी तरह से आप सारे लड्डू बना लीजिए। एक बार और हम लड्डू को राउंड कर लेते हैं। सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। एक लड्डू आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं।